करते हैं, कॉस्टेटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। देखो इसमें पहले मैं लिखता हूं, फर्स्ट पॉइंट क्या है कॉस्टेटिक प्रोसेस। इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन इन अ सच वे दैट एवरी मोमेंट सिस्टम डिपार्ट्स इनफाइनाइटली स्मॉल फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट, देन इट इज नोन एज देन इट इज नोन एज क्या बोलेंगे, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस, ये समझ आया या नहीं आया ये लाइन मैंने लिखी, बताओ या नहीं आया? पहला वाला पॉइंट समझ आया या नहीं आया? नो सर। नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं समझाता हूँ। पहले सेकंड पॉइंट भी लिख देता हूँ। सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूँ, प्रोसेस इज सेट टू बी रिवर्सिबल और कॉसिस्टेटिक, है ना। देखो जो डेफिनेशन कॉसिस्टेटिक नाम से प्रूव होगी उसको मैं कॉसिस्टेटिक करके बता दूंगा, जो डेफिनेशन रिवर्सिबल नाम से प्रूव होगी तो रिवर्सिबल करके लिखा दूंगा। ये प्रोसेस इज सेट टू बी रिवर्सिबल इफ इट कैन रिस्टोर, है ना, इट्स इनिशियल पोजीशन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन या प्रोसेस, एक ही बात। अब देखो पहला पॉइंट में समझाता हूं, ध्यान से समझना, ये पूरे चैप्टर में हमारा दिमाग खाएगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ध्यान से समझना रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, कैसे क्वेश्चनों को हम पढ़ के पहचानेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं, ठीक है। अच्छे से समझना मेरी बात को, कि सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ऊपर मैंने यहां पर मासलेस फ्रिक्शन लेस एकदम पिस्टन लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैंने गैस फिल करी हुई है ना, क्या फिल करी हुई है, गैस। अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर से दबाऊंगा तो इस गैस पे प्रेशर लगेगा और पिस्टन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पिस्टन को दबाऊंगा तो पिस्टन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, है ना। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, मतलब पिस्टन जहां रुका हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम पर है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक सैंड का ग्रेन लेके आया ना, मिट्टी का पार्टिकल, जो सैंड ग्रेन होता है ना बिल्कुल, जो बहुत ही छोटा होता है, मैंने एक ग्रेन उठाया और यहां रख दिया, तो सिस्टम डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि मैंने ऊपर एक मिट्टी का ग्रेन रखा है ना, सैंड का ग्रेन रखा है, बट वो इतना छोटा है कि यहां पर सिस्टम बहुत ही थोड़ा सा, इतना इनफाइनाइटली स्मॉल डाउनवर्ड मूव करा है, ऐसा ही होगा। यस सर। तो वही मतलब है कि इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ वे दैट एवरी मूवमेंट, एट एवरी मोमेंट सिस्टम डिपार्ट्स इनफाइनाइटली स्मॉल फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर पिस्टन रुका हुआ था, एक ग्रेन का पार्टिकल लेके आया तो बस सिस्टम बहुत ही छोटा सा, बहुत ही हल्का सा मूव किया नीचे की तरफ और रुक गया, मतलब उसने फटाफट से इक्विलिब्रियम को वापस से अचीव कर लिया क्योंकि जो मैंने प्रेशर लगाया था वो बहुत ही ना के बराबर था। ऐसे में धीरे 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 करके सैंड के पार्टिकल्स, सैंड के ग्रेन्स डालता जाता हूं, और कितने ग्रेन्स डाल देता हूं, इनफाइनाइट ग्रेन्स, मतलब इतने ग्रेन डाल दिए कि मिट्टी का पूरा वजन 1 किलो हो गया, 1 kg हो गया।
तो ये धीरे 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 नीचे जाता जाएगा, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत धीरे 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 जाएगा। मान लो मैंने 2 लाख मिट्टी के ग्रेन्स डाल दिए तो बहुत इतना सा नीचे आया बस, है ना। तो मतलब हमेशा जो सिस्टम था वो इनफाइनाइटली स्मॉल डिपार्ट हुआ है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, जिस प्रोसेस में हम लोग प्रेशर एक साथ नहीं लगा रहे। ऊपर से मैं प्रेशर किस फॉर्म में लगा रहा हूँ, मिट्टी का जो ग्रेन है उसके वेट से प्रेशर लगा रहा हूँ। तो इसमें मैं प्रेशर एक साथ नहीं लगा रहा, मैं धीरे 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 करके मैंने 1 kg मिट्टी डाली है, मतलब मैंने धीरे 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 करके प्रेशर बढ़ाया और जो मेरा सिस्टम था इक्विलिब्रियम से धीरे 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 करके नीचे शिफ्ट हुआ। बट अगर मैं ऐसा करता, समझो बात को, मैं अगर ऐसा करता कैसा कि मैं मेरे कंटेनर लेता और उसमें सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम का मतलब क्या है कि भैया इसके अंदर जो ग्रेन्स अंदर गैस फिल है, हाँ गैस फिल है। अब मैं क्या करता, मैंने 1 kg का प्रेशर लगाना था, पहले तो मैंने मिट्टी के छोटे छोटे ग्रेन से 1 kg का प्रेशर लगाया, बट इस बार मैं क्या करता हूँ कि जो 1 kg का जो ब्लॉक है ना वो एक साथ ही लाके रख देता हूँ। 1 kg का ब्लॉक मैंने एक साथ लाके रख दिया और एकदम से सिस्टम नीचे गया, एकदम से नीचे गया और बहुत सारा नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने एक साथ 1 kg का प्रोसेस, 1 kg का वेट, मतलब 1 kg के इक्विवेलेंट प्रेशर लाके लगा दिया। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो क्या फर्क है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ये बता दो। अब जो भी तुम्हें समझ आया वो बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। अरे रे, ये तो मैंने लिखा था, बताओ। रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम जाता नहीं है। नहीं, इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल में भी डिस्टर्ब हुआ है, बट वो इतना माइनर डिस्टर्ब हुआ है कि बहुत ही कम टाइम में वो वापस इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। मतलब सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब सिस्टम का, इस बात को तुम इस तरह से समझ सकते हो कि सिस्टम का हरासमेंट हो रहा है, बट बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, इतना धीरे हो रहा है कि सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा है कि उसका हरासमेंट हो रहा है। तो देखो जो मेजर डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे चैप्टर में आपका दिमाग खाएगी, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम धीरे 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 करके प्रेशर लगाते हैं और धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। मतलब मैंने अभी जो प्रेशर बताया वो इंक्रीमेंट की फॉर्म में बताया कि हम धीरे 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 प्रेशर को इंक्रीज करें, हम डिक्रीज भी कर सकते हैं चाहे। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हम एक ही बारी में जो करना होता है वो कर देते हैं, या फिर एक बारी नहीं, एक बारी बोलना तो गलत होगा, या फिर जो हम इसमें जो प्रेशर लगाते हैं ना वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेशर होता है कि उससे सिस्टम को पता चल जाता है कि यार मेरे पे प्रेशर लग रहा है, मेरा हरासमेंट हो रहा है। समझ में आया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब? मतलब ये उसी तरह की बात हो गई कि जैसे तुम्हारे पास 100 रुपए है ना, 100 नहीं मानो, तुम्हारे पास 1000 रुपए है ना, 1000 रुपए को तुम एक दिन में खर्च कर दो तो तुम्हें लगेगा कि यार मैंने 1000 रुपए खर्च कर दिए। अब उस 1000 रुपए को तुम डेली 1-1 रुपए करके 1000 दिन में खर्च करो तो क्या तुम्हें पता चलेगा कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है? नो सर। वही वही वाली बात है कि हम इसमें प्रेशर लगा तो रहे हैं बट बहुत धीरे धीरे प्रेशर लगाते हैं, इतना धीरे लगाते हैं कि पता ही नहीं चलता सिस्टम को कि उस पर प्रेशर लग भी रहा है नहीं लग रहा। इरिवर्सिबल में क्या होता है, बहुत बड़े अमाउंट में हम प्रेशर को लगाते हैं। तो मेजर डिफरेंस था वो क्लियर हो गया रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में? यस सर। और एक और चीज है जिसको हम लोग थ्योरेटिकली फैक्ट बेस्ड मान के याद कर सकते हैं कि इफ अ प्रोसेस इज सेट टू बी रिवर्सिबल इफ इट कैन रिस्टोर इट्स इनिशियल पोजीशन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन। कि हम जैसे मान लो कि कोई एक मिट्टी का ग्रेन डाला तो सिस्टम नीचे गया, वो मतलब पिस्टन नीचे गया, अगर उस मिट्टी के ग्रेन को हटा देंगे तो सिस्टम वापस ऊपर आ जाएगा, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा, क्योंकि उसको रिस्टोर करने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उस पर बहुत ही मामूली सा है, उसके इक्विलिब्रियम को हमने चेंज किया है। तो देखो जो मेजर डिफरेंस है रिवर्सिबल और
इसमें वो क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर कि एक्चुअल में डिफरेंस जो है वो है क्या। डिफरेंस ये है, देखो पहली चीज, अच्छा मुझे बताओ फास्ट कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, कौन जल्दी से हो जाएगा? इरिवर्सिबल। और बात है इरिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल में तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके ग्रेन्स डाले जा रहे हैं, तो वो तो कैसा प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस है ना। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें तो बहुत ही मोटे अमाउंट में, बहुत ही बड़े अमाउंट में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये फास्ट प्रोसेस। देखो इसमें जो ऊपर से जो प्रेशर लगाया है, देखो हमेशा ऐसा ही होगा ना कि मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा कुछ तो गैस भी नीचे से प्रेशर लगाएगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं गैस को दबाऊंगा तो गैस मुझे नहीं प्रेशर लगाएगी, लगाएगी ना, वो तो एक्शन रिएक्शन वाली बात हो गई। तो जो डिफरेंस होता है अंदर और बाहर के प्रेशर में, मतलब कि जो पी एक्सटर्नल होता है मतलब बाहर का प्रेशर, और जो पी इंटरनल होता है अंदर का प्रेशर, उसके बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है रिवर्सिबल में। क्यों छोटा सा डिफरेंस क्यों है? बताओ। क्यों है छोटा सा डिफरेंस? बहुत छोटा पार्टिकल रखा है इसलिए। हाँ बट इसके अंदर क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा है, पी इंटरनल फिर प्लस माइनस डीपी और नीचे भी प्लस माइनस लिखा है, क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रेशर लगा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है हम प्रेशर को रिमूव कर रहे हैं या प्रेशर को कम कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने 1 केजी का ब्लॉक को हटाया तो प्रेशर रिमूव कर रहे हैं, एक एक करके ग्रेन हटाई मतलब प्रेशर में हो ना, इसलिए प्लस माइनस लिखा। इसमें जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल ही है, बट रिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो समझ गए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? बोलो बताओ भाई। यस सर। ठीक है, ये देखो जिस तरह से मैंने समझाया ना उसी तरह से समझोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है ना बहुत बड़ी चीज है पढ़ने के लिए, मतलब एक एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, पूरा सब्जेक्ट होता है। मैकेनिकल में पढ़ सकते हो, तो सिविल में पढ़ सकते हो, केमिकल में पढ़ सकते हो, बट हमारे लिए तो एक चैप्टर है तो हम बहुत बेसिक बेसिक बातें इनके बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बस वैसे ही समझे और वैसे ही पढ़े। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में, कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो इसके जो भी एग्जाम्पल है वो भी हमें कंप्लीटली रखने ही है, ठीक है। देखो समझना बात को, सबसे पहले मैं स्टेट फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अडॉप्टेड टू गेट अ पर्टिकुलर स्टेट। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मैं पहले किसी पर्टिकुलर S1 स्टेट पे था, फिर बाद में मैं S2 स्टेट पे चला गया, एक बार मैं इस पाथ से गया, एक बार मैं ये वाले पाथ से गया, तो दोनों में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो इन दोनों स्टेट के लिए स्टेट फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम S1 से S2 किस पाथ को लेकर गए हो, मतलब कैसे गए हो, कि पहले गर्म किया फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया फिर ठंडा किया, फिर गर्म कर दिया, या फिर डायरेक्ट गर्म करके बात खत्म कर दो, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या थी, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। ऐसी चीज तुमने कभी पहले पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वगैरह में पढ़ लिया? बताओ क्या? यस सर। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट याद रखने, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर
ई का मतलब है इंटरनल एनर्जी जो मैं पहले बता चुका हूँ, एच का मतलब है एंथैल्पी, जी का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी, एस का मतलब है एंट्रोपी। ये सारी चीज मैं पहले अभी लिखवा चुका हूँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। ये सारे लर्न करने हैं, ई एच जी एस चारों के चारों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सभी के सभी स्टेट फंक्शन होते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है स्टेट फंक्शन कैन बी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, मतलब स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव भी हो सकता है इंटेंसिव भी हो सकता है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव का स्टेट फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का स्टेट और पाथ फंक्शन से लेना देना नहीं है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव अलग तरह का क्राइटेरिया है, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन अलग तरह का क्राइटेरिया। एक पॉइंट और लिखा है मैंने, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, मतलब किसी स्टेट फंक्शन का चेंज कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता। तो मैंने लिखा है जैसे डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा जी, डेल्टा एस एक्सेट्रा इज नॉट स्टेट फंक्शन, ये कोई स्टेट फंक्शन नहीं है। बहुत बुक्स में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, वो साफ साफ खुले में लिख के रखते हैं कि भैया डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एस एक स्टेट फंक्शन है। ऐसा नहीं है, जी और एस ही स्टेट फंक्शन है, डेल्टा जी डेल्टा एस स्टेट फंक्शन नहीं है। किसी भी स्टेट फंक्शन के आगे डेल्टा लगा दोगे तो स्टेट फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। हम बोलते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शन में चेंज है वो जीरो हो जाता है, क्यों? साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का चेंज जीरो क्यों हो जाता है? वापस इनिशियल पोजीशन पे आते इसलिए। हाँ, जिस स्टेट से स्टार्ट किया था वापस घूम फिर के वहीं आ गया है, तो अब इसमें चेंज देखोगे तो जीरो ही तो आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पाथ फंक्शन के बारे में। पाथ फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करता था, पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्वांटिटीज विच आर डिपेंड्स अपॉन द पाथ अडॉप्टेड टू गेट अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्टेट को अचीव करने के लिए जो हमने पाथ यूज किया है, अगर उस पाथ पे डिपेंड कर रहा है देन वो पाथ फंक्शन है। और पाथ फंक्शन के बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल है जो हमें याद रखने हैं, वो एग्जांपल है वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, क्या वर्क होता है, क्या हीट होता है, क्या हीट कैपेसिटी होता है। जैसे मान लो, सपोज करो, मैं अब एक चीज तुम्हें पढ़ाता हूँ कि क्या है। यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूं किसी स्टेट फंक्शन के बारे में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं किसी पाथ फंक्शन के बारे में, है ना। ये मेरी कोई इनिशियल स्टेट है जिसका नाम ए है, ये मेरी कोई फाइनल स्टेट है जिसका नाम बी है। यहाँ पर मेरी कोई इनिशियल स्टेट है जिसका नाम ए डैश है, यहाँ पर कोई मेरी फाइनल स्टेट है उसका नाम है बी डैश। देखो, एक बार मैं ऐसे यहां से ए से बी पर गया, एक बार मैं ऐसे ए से बी पर गया, एक बार मैं ए से बी पर ऐसे गया। यहाँ पे एंट्रोपी चेंज एस वन आया, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं, एंट्रोपी जो थी वो एस वन थी, यहाँ से एस टू हो गई, यहाँ से एस थ्री हो गई। क्या तीनों ही केस में S1, S2, S3 बराबर होंगे? Yes. क्यों? स्टेट फंक्शन है, क्योंकि स्टेट सेम है। अब देखो, A से B में गया तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा W1, फिर इस पाथ से A से B पे गया तो मुझे वर्क करना पड़ा W2, मैं ऐसे A से B पे गया तो मुझे वर्क करना पड़ा W3। क्या हर बार मुझे सेम वर्क करना पड़ा? नो No, क्योंकि वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, वर्क क्या है मेरा पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ सेम होंगे तभी होगा। अब देखो, ये चीज एक अच्छी चीज है, ये वाली चीज तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा खोले। क्या है ये? देखो, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी किस किस तरह से ट्रांसफर की जाती है। देखो, दो ही तरीके हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के, वो दो तरीके क्या है बताओ? वो दो तरीके क्या है जिसमें एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता हूं? आ गया,
एक है हीट, एक है वर्क। हीट और वर्क दोनों एनर्जी को ट्रांसफर करने के मोड है। अब ब्रैकेट में मैंने लिखा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और एक मैंने लिखा है अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस। देखो अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना, तो वो एनर्जी को हम लोग क्या नाम देंगे बताओ? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो उसको हम लोग हीट नाम देंगे। अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर नहीं हुई एनर्जी, उसको हम लोग वर्क नाम देंगे। देखो इसका बहुत भयंकर, बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया है, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं तुम्हें। पहले मैं ये चीज बता देता हूँ ना, देखो क्या है, हीट और वर्क के बारे में लिखा है बोथ आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये बात इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लो कि हमने किचन के अंदर तवा गर्म किया, ठीक है, रोटियां बना ली। अब धीरे धीरे तवा ठंडा हो रहा है, तो तवा क्या कर रहा है? तवा एक सिस्टम है और बाहर आसपास का एटमोसफेयर सराउंडिंग है, तो तवा धीरे धीरे ठंडा होगा, तो यहां से एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है वो हीट की फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। दूसरा लिखा मैंने एनर्जी ट्रांसफर विच इज नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो क्या होगा? वर्क होगा। वर्क किसी भी तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, मैकेनिकल वर्क हो सकता है, ग्रेविटेशनल वर्क हो सकता है, मैग्नेटिक वर्क हो सकता है, तो वर्क किसी भी तरह का हो सकता है। अब देखो यहां पर मैंने एक बहुत ही भयानक चीज लिखी है, सेम एनर्जी ट्रांसफर कैन बी कॉल्ड हीट और वर्क डिपेंडिंग अपॉन चॉइस ऑफ सिस्टम। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ? मैंने लिखा है कि सेम एनर्जी ट्रांसफर को मैं कभी हीट नाम दे सकता हूं, कभी वर्क नाम दे सकता हूं। सेम एनर्जी ट्रांसफर कभी हीट भी हो सकता है, कभी वर्क भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो आपके चॉइस ऑफ सिस्टम की, कि आपने सिस्टम किसको चूज किया है। बताओ समझ रहे हो इस बात को या नहीं? नो सर। देखो सपोज करो मैं केस वन में क्या करता हूं, केस वन में मैं सिर्फ वाटर को सिस्टम मानता हूं, सिर्फ इस वाटर को सिस्टम मानता हूं, और ये हीटर बैटरी ये सब किस में जा रहा है? हीटर मतलब ये रॉड जो लगी है, रॉड जिससे पानी गर्म करते हैं, ये सब सराउंडिंग में जा रहा है। तो वाटर का पानी जो है, वाटर का पानी क्या, इस बकेट में जो वाटर रखा है वो धीरे धीरे गर्म होगा, तो ये गर्म किसकी वजह से हो रहा है? हीटर से हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, या फिर ऐसे ही गर्म हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस। तो यस, अगर मैंने सिर्फ वाटर को माना है सिस्टम, तो जो एनर्जी होगी वो हीट होगी। क्यों? क्योंकि पहले हीटर गर्म हुआ बैटरी से, है ना, पहले हीटर गर्म हुआ बैटरी से, फिर हीटर गर्म होके उसने अपनी हीट को या अपनी गर्मी को वाटर को दिया, तो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस था, इस वजह से एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो वो एनर्जी होगी हीट। अब मैं क्या करता हूं कि मैं हीटर को भी सिस्टम में ही काउंट कर लेता हूं, मैं बोलता हूं हीटर वीटर वाटर वाटर सब हमारे सिस्टम में ही, बस बैटरी को सराउंडिंग माना, तो बैटरी ने हीटर को गर्म किया, तो गर्म कैसे करा बैटरी ने हीटर को? ऐसा था क्या कि बैटरी गर्म थी, हीटर उसके अड़के गर्म हो गया, उसके साथ चिपक के गर्म हो गया? बताओ। नो। तो बैटरी ने हीटर को गर्म क्यों किया, कैसे किया? वो कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ होगा ना, कि बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटर गर्म हुआ होगा, ऐसा तो था नहीं कि बैटरी गर्म थी इसलिए हीटर गर्म हो गया। तो क्या यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हुआ है? नहीं। तो ये एनर्जी क्या होगी? वर्क होगी, एंड दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल वर्क। तो अब बात समझ आए कि हम सेम मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है ना, सेम एनर्जी को कभी हम हीट भी कह सकते हैं, कभी हम वर्क भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमने सिस्टम क्या माना।
एक बार सिर्फ वाटर सिस्टम था, एक बार वाटर प्लस रॉड सिस्टम, ठीक है? यस सर, समझ में आई बात? क्या हीट है, क्या वर्क है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हीट वर्क के? यस ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग। देखो, एक होता है हीट, एक होता है हीट कैपेसिटी। तो जो हीट कैपेसिटी होता है वो क्या होता है? क्या लिखे यार, मैं हीट कैपेसिटी लिख देता हूँ। एक होता है हीट, एक होता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो कितना टाइम है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी को सबसे पहले तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्टैंडर्ड सिंबल है कैपिटल सी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो, हीट कैपेसिटी इज डी क्यू बाय डी टी। डी टी तो है टेम्परेचर में चेंज, डी क्यू है हीट का लेन देन, मतलब हीट या तो सिस्टम दे सकता है या फिर हीट सिस्टम ले सकता है सराउंडिंग से। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, सुनना। मैं बोलता हूं कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करने के लिए, 1 डिग्री से चेंज करो चाहे 1 केल्विन से चेंज करो, सेम होगा, क्योंकि चेंज केल्विन में करो चाहे डिग्री में करो एक ही बात होती है ना। तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करना है 1 केल्विन से या 1 डिग्री से, तो उस टाइम पर सिस्टम को जो हीट दी जाती है या ली जाती है, दैट हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम। समझ आई या नहीं आई? मैंने बोला कि अगर मैं dT को 1 कर दूं, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो जो C होगा वो dQ के इक्वल हो जाएगा, है ना? तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करने के लिए, 1 डिग्री से घटा भी सकते हैं, 1 डिग्री से बढ़ा भी सकते हैं, है ना? तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से या 1 केल्विन से चेंज करने के लिए, उस सिस्टम को से जितनी हीट दी जाती है या सिस्टम से जितनी हीट ली जाती है, दैट हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम। हीट कैपेसिटी सिस्टम की प्रॉपर्टी है। समझ में आई या नहीं आई? यस सर। इसकी यूनिट जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जूल पर केल्विन ऐसे लिख सकते हैं, किलो जूल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम बोलते हैं ऐसा। अच्छा, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है जो हम याद रख सकते हैं, dQ is equal to C dot dT, ये होता है, ठीक है? अब देखो और भी क्या क्या चीजें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, और भी चीजें हैं, जैसे कि जो हीट कैपेसिटी है वो दो तरह की हो सकती है, CV या CP। CV का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी, और सीपी का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी, ठीक है? ऐसा ही एक होता है सीएम, सीएम का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी पर मोल, सीएम होता है हीट कैपेसिटी पर मोल। तो इस फॉर्मूले को मैं एक तरह से और लिख सकता हूं, कैसे, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी एम डी टी। ये समझ आया एन सी एम डी टी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एन सी एम डी टी का मतलब अरे पर मोल हीट कैपेसिटी को टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट कैपेसिटी तो आएगा। मतलब सिंपल सी बात है भाई कि जो
पर मोल हीट कैपेसिटी होता है वो टोटल हीट कैपेसिटी अपॉन टोटल मोल्स ही तो होता है, ये होता है ना। यस सर। अच्छा एक चीज और होती है हमारे पास, क्या डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो, डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। अब यहां पर m क्या और s क्या है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है। s को बोलते हैं हम लोग क्या, s को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका नाम यही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है हीट कैपेसिटी पर ग्राम। तो देखो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको टोटल मास जो कि m उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरी हीट कैपेसिटी c आ जाएगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कि c इज नथिंग बट m s, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी है उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दो तो हीट कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि s इज हीट कैपेसिटी पर ग्राम है और यहां पर m मास है इन ग्राम। क्लियर? बोलो। Yes, sir. मतलब यहां से दो चीज हो चुकी है कि कैपिटल सी इज इक्वल टू एम एस और कैपिटल सी इज इक्वल टू एन इंटू सी एम। सी एम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी और कैपिटल एस का मतलब है मोल हीट कैपेसिटी पर ग्राम। क्लियर? अब जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये भी दो तरह की हो सकती है, सी वी एम और सी पी एम। सी वी एम और सी पी एम का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? तो कितनी तरह की हीट कैपेसिटी मैंने तुम्हें पढ़ा दी है। देखो सबसे बड़ी तो होती है कैपिटल सी, कैपिटल सी इज इक्वल टू एम एस या फिर कैपिटल सी इज इक्वल टू एन इंटू सी एम। मोलर हीट कैपेसिटी मैंने तुम्हें पढ़ा दी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा दी, सीपीसीवी पढ़ा दिया मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, और सीपीएम सीवीएम पढ़ा दिया कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो सब तरह की हीट कैपेसिटी के बारे में पता चल गया। बोलो। Yes. अब इनके बीच में मैं रिलेशन बता देता हूं ना, रिलेशन बता देता हूं, रिलेशन को मैं डिराइव बाद में करना बता दूंगा, है ना। डिराइव कैसे हुआ वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी बस रिलेशन रिलेशन सुन लो कि रिलेशन होता क्या है, है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूं कैपिटल सी सी पी, अरे यार क्या हुआ, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। आर क्या है यहां पर, आर क्या है यहां पे, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है ना, और एन इज नंबर ऑफ मोल्स। अगर मान लो मैं एन से डिवाइड कर दू, सीपी अपॉन एन कर दू और सी वी अपॉन एन कर दू तो ये क्या बन जाएगा, सीपी अपॉन एन क्या होगा और सी वी अपॉन एन क्या होगा, ये लिख सकता हूं। CP को n से डिवाइड कर दो तो CPM बन जाएगा, मोलर हो जाएगा वो। बोलो। यस सर। तो इसको मैं लिख सकता हूं CPM माइनस CVM, ये किसके इक्वल आएगा, R, ये R के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले फिलहाल के लिए याद रख लो, डेरिवेशन में बताऊंगा ना बाद में बता दो। अब है हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन वर्क का, वर्क का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे ना, फॉर्मूला डिराइव करना बता रहा हूं, बाकी डेरिवेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट यूज करना है ना। सपोज करो ये मेरा सिस्टम था ना, सिस्टम पे यहाँ पे मेरा पिस्टन लगा है ना, यहाँ पे मेरा पिस्टन लगा है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने गैस फिल कर रखी है ना, मैंने इसमें गैस फिल कर दी,
अब मैं इसमें ऊपर से मैं प्रेशर लगा रहा हूं, सॉरी फोर्स लगा रहा हूं एफ, तो ये पिस्टन नीचे आ गया इतना, और पिस्टन जो डिस्प्लेस हुआ एल लेंथ, तो मेरा जो एक्सटर्नल मैंने फोर्स लगाया उसकी वजह से जो वर्क होगा वो कि एक्सटर्नल वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा तो एफ डॉट एल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, फोर्स को लिख दू प्रेशर एक्सटर्नल इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए इनटू एल, ये लिख सकता हूं, बताओ। यस सर। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल ए इनटू एल को क्या लिख सकता हूं, एल इज लेंथ में चेंज तो ए इंटू एल इज वॉल्यूम में चेंज, बोलो। ये तो मैंने एक्सटर्नल वर्क निकाला है, बट मुझे जो वर्क निकालना है वो कभी भी एक्सटर्नल वर्क नहीं निकालना है, मुझे इस गैस का वर्क निकालना है, मुझे सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है। मैंने जो वर्क ऊपर से लगाया था प्रेशर वो फोर्स लगाया था उसका वर्क निकाला एक्सटर्नल वर्क, पर मुझे तो गैस का वर्क निकालना है, हमेशा मुझे गैस पे स्टडी करनी है, सिस्टम पे ही स्टडी करनी है हमेशा। तो जो गैस का वर्क होगा वो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होगा, ये माइनस क्यों हो गया, बताओ माइनस क्यों हो गया, ये सब कुछ सेम था बस ये माइनस हो गया क्यों, गैस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। हाँ, क्योंकि जो गैस है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इसलिए, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ऑलवेज वैलिड है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को याद रखें कि जो गैस जो वर्क डन करता है, जो गैस का जो वर्क डन होता है वो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के इक्वल। चीज और पढ़ाने वाला था बट कोई नहीं, आज वाली क्लास को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, ठीक है। तो बस जो मैंने आज पढ़ाया है वो पढ़ के आना, कल वापस से मैं लेक्चर लूंगा और इसी टाइम पे लूंगा, और कल थोड़ा सा लंबा लेक्चर लूंगा क्योंकि आज मैंने बेसिक्स पढ़ाए हैं तो छोटा ही पढ़ाया है मैंने थोड़ा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे और कल थोड़ा मैथमेटिकल पढ़ेंगे ना, कल वाला लेक्चर थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो हो सकता है थोड़ा सा तुमको इंटरेस्टिंग भी लगे, और कल वाला जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट भी है ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए काम आएगी पूरे चैप्टर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।